यूपी के कौशाम्बी जिले में पुलिस ने पच्चीस हज़ार के वांछित अपराधी रईस को गिरफ़्तार किया है गिरफ्तार अभियुक्त से पुलिस की मुठभेड़ हुई थी मुठभेड़ के बाद बदमाश के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया बता दें कि पकड़े गए बदमाश के ऊपर पच्चीस हज़ार रुपये का इनाम घोषित था जिसके ऊपर गौकशी के भी कई मुकदमे दर्ज हैं देखिए थाना चरवा से पशु चोरी और पशु तस्करी में वांछित पच्चीस हजार का इनामी जो मूलतः करारी थाना क्षेत्र का रहने वाला है और वहाँ का प्रचलित दुराचारी है आज हिसामपुर डेरे के पास जो एसओ टीम और करारी थाने की टीम गई थी गिरफ्तारी के लिए उसके साथ ही मुठभेड़ में उसे गोली लगी है घायल हुआ है उसे जिला अस्पताल मंझरपुर लाया गया है इस अपराधी के ऊपर गोकसी गो तस्करी पशु चोरी पशु तस्करी के लगभग पच्चीस मुकदमे हैं और वो जनपद कौशाम्बी के अतिरिक्त जनपद चित्रकूट जनपद प्रयागराज और जनपद रीवा में भी कई इसी तरह के मामलों में वांछित रहा है फिलहाल उसके पास से एक मोटरसाइकिल और 315 बोर का तमंचा खाली और खोखा कारतूस काफी मात्रा में बरामद हुआ है जो विधिक कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं हाँ इसके ऊपर पच्चीस हज़ार के इनाम था